खूबसूरत सा शेर है, एक बार फिर दोहराता हूं। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। रीच फॉर द टॉप, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू संतोष यादव, भारत की वो बेटी जिस पर हम सब नाज करते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस रियल डॉटर ऑफ इंडिया, संतोष यादव। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर, संतोष यादव रीच फॉर द टॉप। वो इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची और किस तरीके से उन्होंने अपने ख्वाबों को मंजिल बनाकर और उस मंजिल को पा लिया। चलते हैं आज की कहानी, संतोष यादव। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में केवल एक औरत हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, जहां पर एक बेटे का जन्म वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद माना जाता है। एंड अ डॉटर, और वहीं पर एक बेटी, दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, अभिशाप नहीं माना जाता। वॉज नॉट जनरली वेलकम्ड, लेकिन सामान्यता उनका स्वागत भी नहीं किया जाता उतनी खुशी के साथ जिस खुशी के साथ बेटा पैदा होने पर उसका वेलकम होता है। When her mother was expecting संतोष, जब उनकी माँ संतोष की उम्मीद कर रही थी। When she was pregnant, जब वो प्रेग्नेंट थी। A traveling holy man, एक सफर करते हुए पवित्र आदमी ने giving her his blessing, अपना आशीर्वाद देते हुए कहा। Assumed, ये मानते हुए that she wanted a son, कि उसे एक बेटे की जरूरत होगी, कि उसने दुआ दी। But to everyone's surprise, लेकिन हर किसी के आश्चर्य हो गया, उस ट्रेन में द अनबॉर्न चाइल्ड्स मदर, वो ना जन्मे बच्चे की माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास में खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम, उसे बताया दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो पवित्र आदमी भी सरप्राइज हो गया। नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, बेमतलब ने जिस ब्लेसिंग की उससे रिक्वेस्ट करी गई वो आशीर्वाद उसने दे दिया। एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य ने ये लिख रखा था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और उस आशीर्वाद ने काम किया। क्या काम किया? वहीं पर संतोष वॉज बॉर्न, द सिक्स चाइल्ड इन द फैमिली विथ 5 सन, संतोष पैदा हुई 6 बच्चों के 6ठे बच्चे के रूप में इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, जिसमें 5 बेटे थे और 6ठी बेटी पैदा हुई। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन 5 भाइयों की। शी वॉज बॉर्न ऑन अ स्मॉल विलेज ऑफ जूनिया वॉस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जोनियावास गांव में, एक छोटे से गांव में वो पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवेन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका नाम होता है सेटिस्फेक्शन, संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, अपना उस जिंदगी से, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंपरागत जो तरीका था जिंदगी का, उसमें अपने स्थान के साथ संतुष्ट नहीं थी। क्यों संतोष नहीं थी? शी बिगेन लिविंग लाइफ, उन्होंने जिंदगी जीना शुरू कर दिया ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी खुद की शर्तों पर, फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से ही। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां पर दूसरी लड़कियां परंपरागत भारतीय कपड़े पहना करती थी, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष को शॉर्ट्स पसंद थे, शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद थे। लुकिंग बैक, पीछे मुड़ते हुए, शी सेज, वो कहती हैं अब, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट, अगर मैंने चुना है जिंदगी में एक सही एंड रैशनल पाथ, और तार्किक रास्ता जो सबकी निगाह में ठीक है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, दूसरे लोगों को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगी। और यही उनकी जिंदगी का मोटो था। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव चूजन अ करेक्ट पाथ ऑफ लाइफ, अगर जिंदगी में एक सही रास्ता चुना है और जो वाकई तार्किक है, दूसरों को बदल जाने देना, खुद मत बदलना, अपने मकसद को। संतोष के माता पिता वर अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, सर्व संपन्न जमींदार थे, who could afford
टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो करीब में ही थी हरियाणा से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, बट इन द लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन उस लाइन में जो परिवार में जो संस्कार, जो रीति रिवाज, परिवार का जो रीति रिवाज था, जो समाहित रीति रिवाज था, संतोष हैड टू मेक डू विद लोकल विलेज स्कूल, संतोष को लेकर लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ा, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सिस्टम से लड़ेंगे अपने खुद के तरीके से, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही मौका आया, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और राइट मोमेंट वो था जब वो 16 साल की हो गई थी, एट 16, 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, ज्यादातर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी उनके गांव में, संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष पर भी प्रेशर बनाया गया फ्रॉम हर पेरेंट्स, उनके माँ बाप से, टू डू द सेम, कि ऐसा ही करने के लिए उन्हें भी शादी ही कर लेना चाहिए, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, शादी इतनी जल्दी उसके दिमाग में ये आखिरी चीज थी, शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने माँ बाप को प्रताड़ित किया, दैट शी वुड नॉट नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि वो कभी शादी नहीं करेंगी अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है, वार्निंग दे दी माँ बाप को, शी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप को इनरोल करा लिया, एडमिशन ले लिया, व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उसकी पढ़ाई के लिए पे नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड हिम, उन्होंने बड़ी विनम्रता से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी, अपने पैसा कमाने के प्लान से, बाय वर्किंग अ पार्ट टाइम पे, पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, अपनी स्कूल फीस को अदा करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी, हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उनके माँ बाप तैयार हो गए कि एजुकेशन के लिए अब तो पैसे देना ही पड़ेंगे, क्योंकि संतोष यादव का तरीका बड़ा ही यूनिक था, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा ये उम्मीद करती थी कि थोड़ी और पढ़ाई कर लें, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर आज मोर फॉर मोर एजुकेशन, और अपने माँ पापा के साथ हमेशा बहस किया करती थी थोड़ी और पढ़ाई के लिए, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई, शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया, संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियां थी, आई यूज टू वॉच विलेजर्स, मैं गांव वालों को देखा करती थी फ्रॉम माई रूम, अपने रूम से गोइंग अप द हिल्स, जो पहाड़ियों के ऊपर जाते थे, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और एक पल के बाद वो वहां से गायब हो जाया करते थे, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक, एक दिन मैंने फैसला किया कि चलो चेक करते हैं खुद से, आई फाउंड नोबडी, मैंने किसी को नहीं पाया एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोहियों को पाया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा इफ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती थी, टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया कि मुझे क्लाइंबिंग करना चाहिए, उस वक्त संतोष यादव वॉज द हैप्पीएस्ट देन, देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, तब इस दृढ़ निश्चित लड़की के लिए पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं था, शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में अपने आप को इनरोल करा दिया, माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, मेरा जयपुर में कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन 19 मई को ये खत्म हुआ, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st
और ये माना जाता था कि उत्तरकाशी मुझे 21 तारीख को पहुंचना था, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस नहीं गई। इनस्टेड, इसके बजाय आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए सीधे चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर, और मेरे पापा को मुझे पत्र लिखना पड़ा माफी का, टू माई फादर विदाउट हूज परमिशन, जिनकी बिना परमिशन के आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं अपने आप को उत्तरकाशी में इनरोल करा दिया था, तो उसके लिए माफीनामा लिखना पड़ा, और जब माफीनामा लिख गया तो उनके पापा को परमिशन भी देनी पड़ी। Thereafter, इसके बाद संतोष went on an expedition, संतोष इसके बाद एक सफर पर निकल पड़ी। Every year, हर साल जाया करती थी उस चढ़ाई करने के लिए। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी क्लाइंबिंग स्किल बहुत तेजी के साथ मैच्योर हो गई। Also, she developed a remarkable resistance, और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गई। टू कोल्ड, सर्दी के लिए, एंड एल्टीट्यूड, और हाइट्स के लिए, ऊंचाई के लिए। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, एक लौह इच्छा के साथ, फिजिकल इंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता के साथ, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और आश्चर्यचकित कर देने वाली दिमागी सख्ती के साथ। दीज वर द क्वालिटीज इन संतोष यादव, ये विशेषताएं थी संतोष यादव के अंदर। कौन कौन सी? आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस, अमेजिंग मेंटल टफनेस। She proved herself repeatedly. उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूफ किया। The culmination of her hard work, और उनके हार्ड वर्क का जो culmination total निकला, योग निकला, and sincerity, और उनकी sincerity का came in 1992. Just 4 years after, she had shyly asked the Aravali mountaineers. 4 साल बाद जब उन्होंने शर्माते हुए माउंटेनियर से पूछा था अरावली हिल्स के, इफ शी कुड ज्वाइन देम, क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं? आज 4 साल बाद वो वक्त आ गया था। एट वेरली 22 इयर्स ऑफ एज, मुश्किल से अभी 22 साल की थी संतोष यादव, स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस मकसद को पाने वाली वो सबसे छोटी महिला बन गई दुनिया में जिसने ये जीत हासिल की। If her climbing skills, अगर उनकी चढ़ने की कुशलता, physical fitness को देखा जाए, and mental strength impressed her seniors, तो उनके seniors भी impress हो जाया करती थी कि कितनी unique girl थी ये। Her concern for the others, और उनको और दूसरों के लिए उनकी फिक्र, and desire to work together, और साथ साथ काम करने की इच्छा with them उनके साथ, found her a special place in the hearts of the fellow climbers, साथी चढ़ने वालों के दिलों में एक स्पेशल स्थान बना दिया करती थी, इतनी अच्छी थी संतोष यादव। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर दी, हु ले डाइंग एट द साउथ कोलोनल, जो साउथ कोलोनल पर मर रहा था पड़ा हुआ। She was unfortunately unsuccessful in saving him. दुर्भाग्यवश वो उसे बचाने में असफल रही। However, she managed to save another climbing Mohan Singh. उन्होंने दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया, who would have met with the same fate, जो उसी भाग्य से मिला होता, had she not shared her oxygen with him. अगर उन्होंने उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना करी होती। Within 12 months, 12 महीनों के अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेन्स एक्सपीडिशन, उन्होंने अपने आप को एक मेंबर पाया इंडो नेपालीज वीमेन्स एक्सपीडिशन का, दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिसने उन्हें इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। देन शी स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उन्होंने दोबारा माउंट एवरेस्ट को सेकेंड टाइम स्केल किया, नापा चढ़ाई की, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और वो इकलौती औरत बन गई दुनिया में एवरेस्ट को फतेह करने वाली, सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, अपने लिए प्राप्त किया एंड इंडिया और भारत के लिए अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और माउंटेनियरिंग के इतिहास में, हिस्ट्री में एक अनोखा स्थान। In recognition of her achievements, अपने achievement की पहचान करते हुए, the Indian government bestowed upon her
वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, इंडिया के टॉप ऑनर्स में से एक ऑनर दिया जिसका नाम है पद्मश्री। तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। शी इज लकी एनफ। आगे वो क्या कहती हैं? डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरेरी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो दुनिया के टॉप पे थी, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए वो कहती हैं, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इसमें कुछ वक्त लगा उस पल की बाह्यता में खो जाने के लिए, डूब जाने के लिए। लिमिटलेस, इनडेफिनिट, अंतता में खो जाने के लिए। देन आई फर्ड द इंडियन ट्राइकलर, तब मैंने भारतीय तिरंगे को फहरा दिया। हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की टॉप पर उसे खड़ा कर दिया, फैला दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और ये भावना इनडिस्क्राइबेबल थी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की टॉप पे भारतीय झंडा फहर रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, और वाकई ये एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पर फक्र था। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, और बहुत तीव्र इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट होते हुए, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, वहां से 500 किलोग्राम गार्बेज को लेके आई, कचरे को लेके आई, वहां की मिट्टी को लेके आई फ्रॉम द हिमालयास से। लेकिन मुझे लगता है कि 500 किलोग्राम्स नहीं रहा होगा, 500 ग्राम ही रहा होगा। Perhaps it may be a mistake. Okay. Thank you for watching this video. See you again in the next video.